हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी। ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चर्चा में रहता है। इस कंपनी को 1992 में स्थापित किया गया था। ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है ये वो एनर्जी होती है जो कि वायु और जल की गतिज ऊर्जा को यूज करके जो बिजली बनाई जाती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत है और इसके जो भंडार हैं वो भी अक्षय हैं, यानी कि न खत्म होने वाले हैं। इसमें सौर ऊर्जा भी आता है, जलीय ऊर्जा भी आता है, वायु ऊर्जा भी आता है, ज्वारीय ऊर्जा भी आता है, भूतापीय ऊर्जा भी आता है। तो इसके जो भंडार हैं वो अक्षय हैं और ये ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत है। इसके बिजनेस को अगर सेगमेंट में बांटे तो सबसे पहले आता है इसका सोलर प्रोडक्ट। इसमें ये मैन्युफैक्चर और डेवलप करती है सोलर स्ट्रीट हो गया, सोलर पावर पैक सिस्टम हो गया, सोलर पीवी मॉडल्स हो गया। और दूसरे नंबर पे इस पे आता है बैटरीज। इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करती है बैटरीज की, जैसे कि स्टोरेज बैटरी हो गया, अल्कलाइन बैटरीज हो गया और ड्राई बैटरीज हो गया। इसके बिजनेस के तीसरे सेगमेंट में आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार हो गया, ई रिक्शा हो गया, ये भी बनाने का काम करती है। इसने अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है। इसमें ये डिजिटल जो सर्विस होती है उनको भी प्रोवाइड करवाती है। इनमें ई ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, ई कनेक्ट हो गया, ई हेल्थ हो गया और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर हो गए उनमें भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ये ट्रेनिंग और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसका ई एजुकेशन के सेक्टर में ITI दशहरी और ITI पोखरण जैसे प्रोग्राम है जिनके थ्रू ये ई एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। हेल्थ के सेक्टर में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसकी बी स्वस्थ नाम की एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ये हेल्थ के सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसका जो मुख्य फोकस है वो लिथियम बैटरी को मैन्युफैक्चर करना है जो कि यूज होते हैं इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पज के लिए। इसके तरीके ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भी एजुकेशन और टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करवाना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसमें सोलर की जानकारी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बायो CNG एंड अदर बायो फ्यूल्स के बारे में जानकारी देना है। ये तो हो गया इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 523 करोड़ की है। इसका जो बानवी काय है वो 34.80 पैसे है और इसका जो बानवी कलो है वो 8.65 रुपया है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ये देखिए, पिछले 12 महीने में कंपनी ने 85.61 करोड़ की सेल्स की है, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 83.58 करोड़ की है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अपने मार्केटिंग में और अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी कैश बर्न करने लग रही है। अगर इसका आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है, 1.81 करोड़ का, 77 लाख का, 1.73 करोड़ का, 1.12 लाख का। अगर इसके ऊपर कर्जे की बात की जाए तो 3.72 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा भी है। अगर इसकी रिजर्व कैपिटल की बात करें तो इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 118.31 करोड़ की है और जो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 53.39 करोड़ की है, यानी कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए इसके पास काफ़ी रिजर्व पूंजी भी है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग 31.55% की होती थी। अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है और इसकी जो होल्डिंग है अभी 31.97% की है। DII और FII भी इसमें अपनी होल्डिंग को बनाते हैं, लेकिन जैसे उनको प्रॉफिट होता है वो सेल आउट करके इससे निकल जाते हैं। अगर आप इसके रिटर्न देखोगे तो 5 साल के 80.91% है, 3 साल के 468.57% है, 1 ईयर के नेगेटिव 49.75% है, 3 मंथ के 11.95% नेगेटिव है, 1 मंथ के 9.95% के नेगेटिव हैं। तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन अभी इस शेयर में गिरावट जारी है जिसके कारण जो रिटर्न आपको नेगेटिव नज़र आने लग रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं इसको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। देखिए, अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 10 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है, तो इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट भी हुई है। उसका कारण ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड करने लग रही है। अगर आप इसको एक लॉन्ग टाइम पर्पज से बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो अभी इसमें थोड़ा कम बाय करें और जैसे जैसे ये डिप में जाता जाए आप इसमें अपनी बाइंग को बढ़ा सकते हैं। इसमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और भी करेक्शन आपको इसमें देखने को मिल सकता है, तो जैसे जैसे ये डिप में जाता जाए तो आप इसमें अपनी बाइंग को बढ़ा सकते हैं। नो डाउट एक अच्छा स्टॉक है और काफ़ी लाइमलाइट में भी ये रहता है। सो दोस्तों, ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।